मोदी सर ने आपराधिक मानहानि केस को लेकर के सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और यह याचिका खारिज हो चुकी है, जिसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आपको बता दें कि यह याचिका खारिज होने के बाद ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता और 2024 और 2029 में चुनाव लड़ने का रास्ता कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो बंद होती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी और भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर निशाना भी साधा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इसको लेकर के जब बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे सुनिए क्या कुछ कहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास रहा है और उन्होंने खुद ही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो ठीक है राजनीति में इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन जिस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया, जिस तरह से षड्यंत्र रची जा रही है, इससे पहले भी बहुत राजनीति में बहुत लोगों को बहुत तरह के बयान आते हैं, लेकिन उसको ले जाकर के अदालत में घसीटना ये सर्वथा अनुचित है किसी भी पार्टी के लिए। और हम समझते हैं कि जो भी फैसला होगा आने वाले समय में हम सब उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का लगातार षड्यंत्र रच रही है, ऐसे कई मुकदमे पूरे देश भर में उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ कर रखा है, तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र रचती रहती है, उसका हम मुकाबला करते रहेंगे और लगातार हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और हम समझते हैं कि देश की जनता भी अब लगातार उनके साथ खड़ी हो रही है, आप चाहे हिमाचल में देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे, हर भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का जवाब जनता की अदालत में जनता फैसला देकर के सुनाने का काम कर रही है। जाएंगे न्यायालय से हमें काफ़ी उम्मीद है और हम समझते हैं कि हमें न्याय आज न कल जरूर मिलेगा।